वेलकम टू एसएससी मेडिजी। एसएससी सीजीएल 2017 कोर्ट केस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट एसएससी सीजीएल 2017 के जो फाइनल रिजल्ट है उसको लेकर है। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2017 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, उसके पीछे का कारण हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और जो पूरा का पूरा मामला है वो आकर अटक गया है चेयरमैन और कमिटी के बीच में। और जो एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है और कब करना है, ये जो फैसला लेने का अधिकार है वो एसएससी के चेयरमैन के पास है। लेकिन कमिटी के बीच में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो और जो कुछ लोग कह रहे थे कि एसएससी सीजीएल 2017 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली हाईकोर्ट ने डबल AO केस में स्टे लगा दिया और उसके बाद की जो 8 अगस्त की हियरिंग थी वहाँ पर भी अभी ऑर्डर कॉपी आई है, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि स्टे कोर्ट ने वैकेट नहीं किया है, स्टे अभी लगा ही हुआ है। और अगर एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो फैसला कमिटी और चेयरमैन के बीच में अटक गया है और इसी के रिगार्डिंग चेयरमैन ने कुछ फैसले लिए हैं एसएससी सीजीएल 2017 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि रिजल्ट पब्लिश होगा या नहीं होगा और कब होगा, कैंसिलेशन के पहले पब्लिश कर दिया जाएगा या कैंसिलेशन के बाद पूरा रिजल्ट ही कैंसिल करना पड़े, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और उसके पहले कुछ लोग स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है कि जो 3 महीने का मैथ्स स्पेशल का प्री प्लस मेंस को टारगेट करके एडवांस कोर्स है मैथ्स का, पवन राव सर और अभिनय शर्मा सर के द्वारा चलाया जा रहा है, वो एसएससी मेड रेफर कोड यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ 3 मंथ का पूरा 2025 में पड़ेगा। जो क्लासेस चल चुकी हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये एसएससी सीजीएल 2019 और RRB NTPC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साल में सिर्फ एक बार लॉन्च होता है। इसके अलावा सारे एजुकेटर्स के 60+ एजुकेटर्स के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास क्रेडिट यूज करने पर आपको करना क्या, SSC अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्लस में जाना, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, फिर SSC एग्जामिनेशन सेलेक्ट करके 5 में से जो प्लान लेना चाहते हैं लेकर SSC में रेफर कोड यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और चेयरमैन ने जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग एज पर एसएससी चेयरमैन रिजल्ट ऑफ एसएससी सीजीएल 2017 विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर कमिटीज डिसीजन। कमिटी के डिसीजन के बाद ही एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जैसा कि लोग कह रहे थे कि एसएससी बहुत जल्दबाजी में है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, एसएससी जल्द से जल्द जो स्कैम है उसको दबाना चाहती है और जल्द से जल्द लोगों को ज्वाइनिंग देना चाहती है, जिस तरह से इन्होंने SSC MTS 2017-2016 के एग्जामिनेशन में लोगों को दिया था। लेकिन SSC MTS में कोई प्रूफ नहीं थे इसलिए वो मामला कोर्ट में अटका नहीं, लेकिन यहाँ पे एसएससी सीजीएल का जो पूरा केस है वो कोर्ट में अटका हुआ है। तो चेयरमैन एसएससी और गवर्नमेंट दोनों रिस्क नहीं लेना चाहती कि कमिटी के डिसीजन के पहले ही अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, और ऐसा इसलिए लिया जा रहा है कि आप सभी को पता है एसएससी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर मान लीजिए कि एसएससी फटाफट रिजल्ट निकाल कर ज्वाइनिंग दे दे रही है लोगों को और फटाफट 10 दिन में ज्वाइनिंग भी हो जा रही है और उनकी 1 महीने की सैलरी भी दी जा रही है, और उसके बाद अगर कमिटी का डिसीजन आ रहा है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 1 मंथ की सैलरी भी गई, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी खत्म होंगे, और जहाँ तक ये गवर्नमेंट का सवाल है, ये गवर्नमेंट लोगों का रोज़गार छीन ले रही है, तो लोगों को रोज़गार मतलब 1 महीने की फ्री में सैलरी क्यों देगी। तो कमिटी और SSC किसी भी हालत में ये डिसीजन नहीं लेगी कि कमिटी के रिजल्ट डिसीजन के पहले ही SSC सीजीएल 2017 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और ये जो कमिटी की फर्स्ट मीटिंग है वो 17 अगस्त को है, अब उसके बाद ही फैसला होगा कि कमिटी के सामने जो प्रूफ रखे जा रहे हैं वो कैंसिल होगा या कैंसिल नहीं होगा, लेकिन कैंसिलेशन के चांसेस 100% श्योर हैं, आप मानकर चलिए कि एग्जामिनेशन कैंसिल है। और ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है ये आई है सोर्स है इसका कॉल रिकॉर्डिंग, किसी कैंडिडेट की एसएससी के चेयरमैन के द्वारा बात हुई है और उसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है और ये 100% सही है क्योंकि रिलायबल सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।